वहां से निकाल लीजिए सिलेबस, ठीक है। और अगर वहां पे भी नहीं है तो यहाँ से कॉपी ले लेना इंस्टीट्यूट से, ठीक है। सिलेबस पूरा पढ़ना है, एक बार में नहीं समझ में आएगा बार बार पढ़ो उसे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आप वही टाइम ऐसे पोर्शन को दोगे जो सिलेबस में ऑलरेडी है, समझ रहे। अदरवाइज बच्चे सोचेंगे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पीटी में भी है मेंस में भी है, पूरा पूरा हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं बिना क्वेश्चन पेपर देखे, बिना सिलेबस देखे। चलो ये बताओ क्वेश्चन पेपर किस किस ने देखा कल की क्लास के बाद, जीएस के, जो जीएस के पेपर अभी जो 2024 वाले पेपर हो रहे हैं मेंस देखे, पक्की बात है आपने देखा पेपर, ठीक है। एसए का पेपर सभी ने देख लिया, एसए वाला देखा, ठीक है। और जीएस पेपर वन पेपर देख लिया, देखो अच्छा सिर्फ पेपर देखा है या उसको अच्छे से पढ़ा समझा, फर्क होता है। ये बात मैं क्यों पूछ रही हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा जाओ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई दफा क्या होता है, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, मान लीजिए एनसीईआरटी सिंपलेस्ट है ना, सबसे सिंपल एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे हो, आपने कोई भी चैप्टर उठाया किसी भी सब्जेक्ट की, कोई भी एनसीईआरटी ली, उसका कोई भी चैप्टर आपने पढ़ना शुरू किया और आप उसे बस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो लाइन बाय लाइन, आप सिर्फ उसे पढ़ते जा रहे हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप क्या देखते हो, कितने पेज का ये, मेनी टाइम्स ये करते हैं बच्चे, है ना, ये वाला चैप्टर अच्छा 20 पेजेस है, ओहो मेरे पास तो 1 ही घंटे है, 1 आवर है, तो अब 1 आवर में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब क्या करता है बच्चा, उसी हिसाब से अपनी स्पीड को बनाता है और पढ़ना शुरू करता है, पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा, और मान लीजिए उसने 50 मिनट में वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया, 50 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करके अपने आप को शाबाशी देता है, ओ डन कंप्लीटेड। अब जरा उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बुक बंद करके एक बार अपने आप से पूछिए कि जो 20 पन्ने अभी पढ़े और 50 मिनट जो आपने लगाई है उसमें से आपको कितना याद है, समझ में कितना आया है, याद कितना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ वो पन्ने पढ़ दिए, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बस वो इंग्लिश 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 पढ़ के निकल जाता है, और हिंदी वाला हिंदी 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 पढ़ के निकल जाता है, लैंग्वेज थोड़ी ना ऐसी थोड़ी ना पढ़ना है आपको, समझ। आपको जो लिखा हुआ है ना उसको समझना है, तो किसी भी चैप्टर को तब तक पढ़ा हुआ नहीं समझोगे आप जब तक वो समझ में नहीं आ जाए, और इस लेवल की पढ़ाई करने के लिए आपको टाइम देना होगा, ठीक है। तो अपने टाइम के इंपॉर्टेंस समझिए, अभी अपने जब से यूपीएससी की तैयारी करने का सोच लिया तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टास्क आपकी जिंदगी में है तो वो यही है, पढ़ना। क्लास का टाइम बहुत प्रीशियस है, बिल्कुल भी इसको वेस्ट ना करें, क्लास में बैठे हैं तो क्लास में ही रहें, ये नहीं है कि बैठे यहां पे घूम कहीं और रहे हैं, ऐसा होता है आपके चेहरे देख के मुझे सब पता चल जाता है घूम रहे हो, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चों का टाइम इतना, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होता है उनका कि क्लास में फोन आ जाते हैं उनके इंपॉर्टेंट कॉल्स एंड मैसेजेस, समझ रहे हो, और वो कॉल्स और मैसेजेस रिसीव करना इतना अर्जेंट होता है कि मतलब समझ लीजिए आप कि ऐसा लगता है कि कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा अगर तुरंत रिप्लाई नहीं हो। आप समझिए, आप समझिए, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए, इससे पढ़ाई से तैयारी करने से इंपॉर्टेंट अभी आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं, अदरवाइज आप जिस जगह पे हैं वहां पे लाखों बच्चे और भी हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और फर्क आपको यही क्रिएट करना है, डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो इस बात पे क्रिएट होगा कि आपने अपना टाइम कैसे यूटिलाइज किया, ठीक है। चलिए, बुरा लगा कि नहीं लगा, थोड़ा नहीं लगा, लगा ना फिर, ठीक है, थोड़ा लगना चाहिए बुरा, नहीं लगा होगा तो फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा चलो, तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताइए क्लास में कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले हैं, कितने हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, अच्छा बाकी हिंदी,
ठीक है, तो क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश में भी मैं नोट्स बनवाऊंगी और हिंदी में भी नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। नोट्स बहुत ध्यान से फेयर बनाने हैं, ऐसे नहीं करना कि रफ वर्क की तरह कहीं पे भी कुछ भी लिख लिया, क्योंकि मैं आप आपका लक कैसा काम करता है वो अब टाइम बताएगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो कुछ भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे, एक-एक बात, एक-एक वर्ड, अगर मैं कोई एग्जाम्पल भी दूंगी ना, चाहे सोशल मीडिया का हो या कोई ग्लोबल समिट का हो, कोई इंटरनेशनल रिलेशन का हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी की बात करूं या सोसाइटी को कनेक्ट करूं, आप लिख लो इस बात को, आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। बहुत सोच समझ के मैं ये बात बोल, जिस डायरेक्शन में सोचने का बोला जाए एक बार उधर सोचना जरूर, क्लियर। अगर कोई एग्जाम्पल भी है, चाहे वो हंसी मजाक वाला लगेगा आपको, लेकिन उसको बहुत ध्यान से समझना है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। बिल्कुल सीरियस होके, बाहर का सब भूल जाइए, अब सिर्फ क्लास में रहिए, क्लियर। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स बनाएंगे। अब देखो, हिस्ट्री ये जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये हमने कल डिस्कस किया। अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास है। इसकी शुरुआत ज्यादातर पढ़ने वाले भी है ना, पढ़ाने वाले भी ज्यादातर कहाँ से शुरुआत करते हैं, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, मानव जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, इतना चेंजेस आए कि उन्होंने एक सिविलाइजेशन बना ली। अब सिविलाइजेशन तक की भी तो कोई जर्नी होगी, है ना। हम इसे कहां से शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति से हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। मानव की उत्पत्ति वाला जो टॉपिक है, इसके लिए एक टेबल बनती है और उसे कहा जाता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास उसे कहा जाता है। अब ये जो टेबल है ना, जिसमें आप जियोलॉजिकल टाइमलाइन पढ़ते हो पूरा, ये ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो वहां आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल लगेगा आपको, लेकिन आई बिलीव कि आप उसे याद कर लोगे, बहुत आसान भी है, याद होता चला जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप सही तरीके से समझोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएगी, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज द अप्रोच ऑफ द हिस्ट्री, राइट, कि किस अप्रोच में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, राइट। सो अप्रोच होगी कि कुछ पोर्शन हमारा कैसा होगा, फैक्चुअल होगा, और मेजॉरिटी पोर्शन क्या होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, राइट, जो हम कल जो हमने कल समझने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो सेकंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि हम ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको कितने टाइम पीरियड में किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और क्या इसका बेसिक होना चाहिए, क्या इसका एडवांस लेवल होना चाहिए प्रिपरेशन करने का। सो इफ वी टॉक अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सो इट टेक्स अराउंड 50 आवर्स, कितना, अराउंड 50 आवर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और डिपेंड ये भी करता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते टाइम आप सिर्फ हिस्ट्री को ध्यान में रख के पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के साथ सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी को ध्यान में रख के पढ़ रहे हो, या फिर आप आर्ट एंड कल्चर को भी साथ में एड ऑन कर रहे हो। सम टॉपिक्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर डीपली कनेक्टेड विद द आर्ट एंड कल्चर, सच एज
आईवीसी। आईवीसी में हम मेजोरिटी किस चीज पे फोकस करेंगे? देयर आर्किटेक्चर, देयर टाउन प्लानिंग, देयर स्कल्पचर आर्ट, देयर बिलीफ सिस्टम। क्लियर? सो ये बहुत सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर में आएंगी। क्लियर है? इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक लिटरेचर। सो दीज टॉपिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। सो अगर हम इन सारे टॉपिक्स को साथ में अगर लेकर चलेंगे, जिसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी और आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ में लेकर चलेंगे, तो 50 के बियॉन्ड 5 आवर्स और हमें देने पड़ेंगे। और एक चीज और डिपेंड करती है कि कितने टाइम में कोई भी कोर्स कंप्लीट होता है, वो ये कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं, ये क्लास में उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ डिस्कशन होता है, या आपसे आंसर राइटिंग का भी अगर काम कराया जाए, बीच बीच में आपको कोई टेस्ट दे दिया जाए, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई टॉपिक मैंने समझाया और मुझे ये लगा कि इसका आंसर तुरंत लिखवाया जाना चाहिए, तो इस तरीके के टास्क आपको क्लास में मिलते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस वो टाइम लगेगा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो सभी कितनी जल्दी चीजों को समझ लेते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पे आपको फोकस करना है, बिकॉज ये आपका पीटी में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ये आपका मेंस में भी रोल प्ले करेगा, डायरेक्टली नहीं तो आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी के फॉर्म में ये आपको हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना। अब इसमें आपको किस किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, क्लास में जो डिस्कस होगा उसे बहुत ध्यान से समझेंगे, जो नोट्स बनवाए जाएंगे उसको नोट डाउन करेंगे, आप उसको घर पे जाकर रिवाइज करना है। बियॉन्ड दैट यू जस्ट नीड टू रीड एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, 11th क्लास की एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, बहुत डिटेल्ड बुक है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि टफ लगेगी, क्लास के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। क्लियर? उसके बाद मिडिवल वाला जो पोर्शन है, वहां से अगर आप लास्ट 10 ईयर का अगर यूपीएससी का पैटर्न देखते हो तो क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी पोर्शन को ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि यहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए इसको, नहीं, एटलीस्ट उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और कुछ पोर्शन ऐसा है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप सोचिए मिडिवल वाले पोर्शन से यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया लास्ट ईयर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से पूछ लिया, अब लगेगा नहीं मिडिवल है। एक वर्ड ध्यान रखना, चेंज, चेंज इन एवरी स्फीयर, सोसाइटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, कल्चर। अब इस एस्पेक्ट को आपको एंशियंट में भी रिलेट करना है, इसको मिडिवल में भी रिलेट करना है, तो मिडिवल टेक्स लेस टाइम, फिर भी अप्रोक्सीमेटली 35 आवर्स उसमें आपको देना पड़ेगा विद इन द क्लास। उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, दैट विल बी सफिशिएंट। क्लास में मैं कौन कौन सा पोर्शन कवर कराऊंगी, आई विल नॉट फोकस मेनली ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ओनली, वी विल फोकस ऑन द इकोनॉमिक चेंजेस, द प्लानिंग्स ऑफ द सुल्तान्स एंड द बादशाहस, कि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए। देखो हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है कि सिर्फ आप जो दिया हुआ है उसको याद कर लो कि इस सुल्तान ने ये काम किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स किए, है ना, आपने सिर्फ उनको रट लिया। आप फोकस करना जो मिडिवल पीरियड में हुआ, चाहे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, राइट। सो ये जो चेंजेस हुए ना, उनको आपको आज से रिलेट करके कंपेयर करके देखना है, कंपैरेटिव स्टडी आपको करके चलना पड़ेगा। तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में कुछ पोर्शन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेके चलना है, वहां पे भी आपको क्लास और प्लस एनसीईआरटी। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी मेंस के हिसाब से भी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ना सिर्फ इंटरव्यू,
सिलेक्शन के बाद भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको डिसीजन मेकिंग में. वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना. और क्लासेस हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक बैच तो कंप्लीट हो गया है, और इस बैच मॉर्निंग बैच के लिए अगर क्लासेस होती हैं तो इट विल टेक अराउंड 60 to 70 hours. आपको डेली बेसिस पे क्लास के अलावा 2 से 2.5 घंटे अपने स्टडी को देने हैं. और कोशिश ये करिएगा कि जो टॉपिक आपका क्लास में चल रहा है ना, उसका रिविजन आप घर जाके करें, वीकली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करते रहिए. और जैसे वो टॉपिक क्लास में कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, ये टॉपिक मेरा पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है. प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है, ठीक है? बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे परेशान नहीं होना. ऐसे तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, उन सबके पीछे नहीं पढ़ना. लिमिटेड सोर्सेस को फॉलो करिए, उसी को रिवाइज करते रहिए. प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, डे वन से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. पीवाईक्यूज आप डे वन से देखना शुरू कर दोगे. जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो टॉपिक्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, 3-4 topics हैं जहाँ से हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, तो एक थोड़ा सा माइंड सेट आपका डेवलप होगा कि हिस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ी, ठीक है? जो आज हम देखते हैं, हमारी सोसाइटी को देखते हैं, जो भी हमारा लेवल है इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, ठीक है? ये डेवलप हुआ बाय द टाइम्स, बाय द चेंजेस. सो इसके बिगिनिंग किस तरीके से हुई, हम वहां से इसको शुरू करेंगे. और आपको भी उसी हिसाब से ध्यान देना, बहुत कम सोर्सेस पे जाना है, बहुत उन्हीं सोर्सेस को बहुत ज्यादा रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो चलो अभी 2-3 topics का मैं नाम लिखती हूँ जो हम स्टार्ट, जो आज डिस्कस करेंगे. पहला टॉपिक होगा, द फर्स्ट टॉपिक विल बी द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास. दिस विल बी अवर फर्स्ट टॉपिक. लिखना है सभी को, ठीक है? देन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी होमिनिड इवोल्यूशन. मानव की उत्पत्ति. ये टॉपिक्स हम बहुत शॉर्ट में, बहुत कम टाइम लेते हुए डिस्कस करेंगे. ये आपका ज्योग्राफी में कवर होगा डिटेल में. देन होमिनिड इवोल्यूशन से ही एक टॉपिक कनेक्ट होता है, दैट विल बी द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस अक्रॉस द वर्ल्ड. क्लियर? कि कहां से ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन कहां हुआ, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, कहां कहां पर जो ह्यूमन बीइंग है वो पहुंचे. द मूवमेंट और द स्प्रेड भी लिख सकते हैं, द स्प्रेड ऑफ ह्यूमंस, ठीक? तो लिखो विश्व में मानव का प्रसार. अच्छा, अब ये जो 3 topics है ना, ये 3 topic आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है, जहां पर लाइफ के लिए जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स चाहिए वो प्रेजेंट हैं. ये अर्थ किस तरीके से फॉर्म हुआ, इस अर्थ पे जो कुछ भी विजिबल है अभी के टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल द माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, है ना, डिजर्ट, ये सारी चीजें, इन सब का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ. और जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है अबाउट द सरफेस, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जितना ये जानना जरूरी है उतना ही ये जानना जरूरी है कि अर्थ में ये इसके बिलो, सरफेस के बिलो जो भी मिनरल्स हैं, जो भी कंटेंट है
वो कब कब किस किस टाइम ड्यूरेशन में ये फॉर्म हुआ, ठीक है। अब इसके साथ साथ, अब जैसे हमने कहा कि चाहे माउंटेन्स हो चाहे रिवर्स हो, इनके साथ साथ लिविंग थिंग्स भी किस तरीके से यहां पर इवॉल्व हुई ये हमें पता चलेगा। अब लिविंग थिंग्स में से, अब मान लीजिए प्लांट्स हो गए, है ना, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स एंड देन ह्यूमंस। वी विल फोकस ऑन ह्यूमन। सो बहुत शॉर्ट में हमें ये समझना है कि हाउ डज द ह्यूमन इवॉल्व, राइट। और इनका जो इवोल्यूशन हुआ उसके पीछे जो थ्योरी है, ये कहा जाता है कि ह्यूमंस आर इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स, राइट। तो वो भी हमें देखना है कि किस तरीके से इवॉल्व हुए और क्या एप से सीधे इंसान के फॉर्म में आ गए थे या पूरी एक प्रोसेस थी, राइट। तो उसको हमें समझना है। अब यहां से हमने देखा कि ये जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन डेवलप हुआ, ये एप है, एंड देन एक अपराइट पोस्चर में एक ह्यूमन बीइंग आ गया। सो यहां से यहां तक की जो जर्नी है, ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड। और जब एक अपराइट पोस्चर में जब एक ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ, उसके बाद उसने अपने सर्वाइवल के लिए किस तरीके से नेचर को यूटिलाइज किया ये जानना जरूरी, राइट। क्योंकि जब ये एप थे, है ना, तो इनका लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा, ज्यादातर पेड़ों पे रहना, उछलना कूदना, है ना, फल वगैरह जो कुछ भी मिल गया वो खा लेना। लेकिन जैसे ही उसका ये पोस्चर चेंज हुआ, अब एकदम चेंज आएगा ना, उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, उसकी कैपेसिटी में भी चेंज आएगा। अब उतना उछल कूद नहीं कर सकता है वो जैसे पहले करता था, राइट। अब ये ना सिर्फ इसके बॉडी पोस्चर में चेंज आएगा, बल्कि इसका इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे भी। एक सेंटेंस बोला जाता है, उसे कहते हैं कि दिस इज नॉट द जर्नी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, एक्चुअली इट इज अ जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कि ये सिर्फ और सिर्फ मानव के शरीर की ये की जो बनावट है या उसकी जो उत्पत्ति है, ये उसकी जर्नी नहीं है। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ, ये उसकी जर्नी। और जैसे जैसे उसका पोस्चर अपराइट होता चला गया, वैसे वैसे उसका जो ब्रेन साइज है, वो ब्रेन साइज कैसा होता चला गया, एनलार्ज होता चला गया। और जैसे जैसे ब्रेन साइज एनलार्ज होता चला गया, वैसे वैसे उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गई, मेमोरी शार्प हो गई, चीजों को समझने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, बिहेवियर को बहुत जल्दी से वो आइडेंटिफाई करने लगे, उसको स्टोर करने लगे। मेरी मेमोरी में बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती, राइट। तो वो जो स्टोरेज वाली कैपेसिटी थी वो कैसे बिल्ड हुई, जब उसका पोस्चर चेंज हुआ। पोस्चर चेंज हुआ जो, तो जो रीड है वो सीधी हुई, और जब रीड सीधी हुई तो ब्रेन साइज कैसा हुआ, एनलार्ज हुआ, और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। और यहीं से इसके बाद से उनकी जो लाइफ है, जो ह्यूमन की जो लाइफ थी इसके बाद से, उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज आया है। तब उन्होंने नेचर को अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग उन्होंने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया है, और यहीं से फिर हम स्टोन एज शुरू करें, ठीक है। और नेचर का वो एलिमेंट या नेचर का वो कोई भी एक वो रिसोर्स जिसका उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए सबसे ज्यादा यूज किया, दैट वॉज स्टोन। दैट्स वाई वी कंसिडर द टाइम पीरियड एज स्टोन एज, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल कनेक्ट दीज टॉपिक्स विद द स्टोन एज, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसके बाद स्टोन एज। ठीक है, चलो अब फर्स्ट हेडिंग बनाइए, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। एक लाइन लिखिए, लिखो, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ
डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइमलाइंस सच एज एरा पीरियड इपो एंड एजेस एरा पीरियड इपो एंड एज लिखो हिंदी में लिखिए पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास विभिन्न समय सीमाओं में विभाजित किया गया है इसको आप इसी तरीके से लिखोगे ठीक है इनका हिंदी में तो लिखना इसी तरीके से लिखना लिखो एरा पीरियड इपोक और एज राइट चलो इसका मतलब क्या हुआ एरा के बाद पीरियड देन इपोक देन एज इसका मतलब क्या हुआ ये बिल्कुल वैसे ही डिवीजन है जैसे हम एक ईयर को डिवाइड करते हैं मंथ्स में इसको डिवाइड करते हैं हम वीक में उसके बाद इस वीक को डिवाइड करते हैं हम डेज में फिर आवर्स में फिर मिनट्स देन सेकंड्स तो उसी तरीके का ये डिवीजन है एरा इपोक सॉरी पीरियड इपोक एंड एज एक वर्ड और आपने सुना होगा इओन है ना वो एरा से भी बहुत पहले आता क्लियर और जो एरा है जब इसको डिस्क्राइब करोगे तो मैं बता दूंगी कि कौन सा इओन मतलब कौन कौन से एराज इओन में आते हैं क्लियर तो हम एरा से पढ़ना शुरू करेंगे तो चार्ट बनाओगे आप बनाओ फोर एराज वर देयर कौन कौन से एराज हैं पहला प्री कैम्ब्रियन एरा प्री कैम्ब्रियन एक मिनट मैं एक अर्जेंट कॉल है मेरे से So, where were we? So, the first era was pre-Cambrian, right? Then, the second era was Paleozoic. Paleozoic. Then, Mesozoic. साथ साथ में याद करना है सभी को मेसोजोइक देन सेनोजोइक और इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू जोइक ठीक है सेनो जोइक और न्यू जोइक राइट सो ये चारों नाम पढ़िए एक बार कौन कौन से एराज हैं प्री कैम्ब्रियन देन पैलियोजोइक देन मेसोजोइक देन सेनोजोइक ठीक है अब ये समझिए पैलियो
व्हाट डज इट मीन? पैलियो मीन्स ओल्ड, स्टोन होता है लिथिक, राइट? पैलियो मीन्स पुराना या ओल्ड, राइट? और नियो मीन्स न्यू, राइट? अब पुराना और यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, न्यू मीन्स न्यू. इन दोनों के बीच में जो वर्ड आया दैट इज मेसो. मेसो मीन्स बीच वाला, मिडिल वाला फेस. अब यही जो मेसो जो वर्ड है, जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर मेजोलिथिक पढ़ेंगे, फिर नियोलिथिक पढ़ेंगे, तो वहां पे भी मेजो वर्ड आया. मेजो मतलब मिडिल वाला फेस. ये जो मिडिल वाला फेज है, इसकी जरूरत क्यों होती है? पुराने के बाद हम सीधा नया फेज क्यों नहीं पढ़ते? राइट, क्योंकि चेंजेस टेक्स टाइम. चेंज होने में, बड़े लेवल पे चेंज होने में टाइम लगता है. तो क्या होता है, जैसे जैसे ये जो पुरानी चीजें हैं, इनमें नई नई चीजें एड ऑन होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो ये जो नया जो चेंज है ना, ये एकदम क्लियरली विजिबल हो जाता है. तो ये जो टाइम पीरियड है बीच वाला, इसमें आपको ओल्ड पीरियड वाले भी एलिमेंट्स नजर आएंगे और कुछ न्यू भी नजर आएंगे. तो इट इज नोन एज द ट्रांजिशनल फेज. ठीक है, ट्रांजिशनल फेज, क्लियर? चलो, तो ये नाम याद हो गए सभी को? बताओ क्या क्या है. प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड नियोजोइक. देखो याद हो गए इतना आसानी से. अब इसके बाद ये जो प्री कैम्ब्रियन फेज था, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो चलो इनके भी नाम लिख लेते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज अजोइक. अजोइक, राइट? देन आर्कियन. Archean. And third one is known as Proterozoic. Proterozoic. So first one is Azoic, then Archean, then Proterozoic. Okay. So when we talk about the Azoic and Archean, so we have very less information, और ये कह सकते हैं कि ना के बराबर, very less, मतलब बहुत ही ना के बराबर information है हमारे पास about these two. ठीक है, लिख लो very less information. Right? ये जो time period था Proterozoic, this time period is known for the formation of metamorphic rocks, right? For the formation of metamorphic rocks ka formation hua tha is time period mein. Metamorphic rocks ko kya kaha jata hai? Kayantarit chattane. ठीक है, क्या मतलब होता है कायांतरित चट्टानें और मेटामॉर्फिक रॉक्स? मतलब जब रॉक्स में किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो जाए, है ना, तो या फिर मेटामॉर्फिक में कौन कौन से एलिमेंट्स और काम करते हैं? एयर का भी इफेक्ट होता है, वाटर का भी इफेक्ट होता है, ठीक है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, और एनिमल्स के थ्रू भी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं ना, ठीक है, तो वो भी इसमें एड ऑन हो जाएगा. सो ये जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन फॉर द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन. इसको याद करो एक मिनट.
याद हो गए? हाँ तो बताइए, अगर याद हो गए तो चलो फोर एरास बताइए, कौन बताएगा फोर एरास? बताइए, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोज़ोइक, मेसोज़ोइक एंड सेनोज़ोइक। प्री कैम्ब्रियन के फोर डिविजन्स, सॉरी थ्री डिविजन्स, अज़ोइक, आर्कियन एंड प्रोटेरोज़ोइक। प्रोटेरोज़ोइक इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैलियोज़ोइक एरा। अब इसको यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं स्लाइड चेंज कर लूंगी पैलियोज़ोइक के लिए। This Paleozoic era is divided into six periods. Kitna? Six periods. Okay. So the first one is known as Cambrian period. अब समझ में आ गया? इससे पहले वाला जितना भी time है, that is known as Precambrian. और Paleozoic का जो first period है, that is known as Cambrian period. क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखो ओल्डोविशियन। ओल्डोविशियन ओल्डोविशियन थर्ड वन इज नॉन एज सिल्यूरियन। Fourth one is known as Devonian. ठीक है, then Carboniferous. And then sixth one is known as Permian. Right? Cambrian. यहां से किस चीज की शुरुआत हुई? यहां से अर्थ में इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस हुए, ऐसी उनको कहा जाता है कुछ हलचल होना, जिससे क्या हो, कुछ नया फॉर्मेशन हो। तो यहां से इस तरीके का डिस्टर्बेंस हुआ कि जो माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, राइट? उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन, ये दोनों किसके लिए जाने जाते हैं? ये दोनों जाने जाते हैं मरीन इन्वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशन के लिए। मरीन इन्वर्टिब्रेट मतलब समुद्र में जो गैर रीढ़धारी जो जीव थे उनकी उत्पत्ति हुई इस टाइम पीरियड में, मतलब यहां से लाइफ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को ऐसे कंबाइन करिए और लिखिए इवोल्यूशन ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स, समुद्री गैर रीढ़धारी जीव। इन्हें अकशेरुकी भी कहा जाता है, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? जिनमें रीढ़ नहीं होती। और कौन से हैं ये? मरीन में, क्योंकि सबसे पहले लाइफ इवॉल्व कहां हुआ था? मरीन में, समुद्र में। तो ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स, इसके बाद ये जो सिल्यूरियन पीरियड है दैट इज नॉन एज एज ऑफ फिशेस। एज ऑफ फिशेस कहा जाता है इसको, सिल्यूरियन। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गया फिशेस का फॉर्मेशन और बहुत ज्यादा जो इनका नंबर था वो इंक्रीज होता हुआ चला गया, राइट? उसके बाद जो कार्बोनिफेरस है इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कार्बोनिफेरस को। कार्बोनिफेरस मतलब जहां जहां जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे, राइट?
सो जो कार्बनी फेरस है, इस वर्ड को एक बार पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? कार्बनी फेरस। शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? कार्बन, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस ड्यूरेशन में कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ? कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, कोल फॉर्मेशन। कार्बनिफेरस की एक और घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि कार्बनिफेरस से पहले तक जो हमारा अर्थ है वो कैसा था? ये था पेंजिया, और ये क्या था? ये था पेंथलासा, ठीक है। इस टाइम पीरियड में, यहां पे कार्बनिफेरस के टाइम पर, ये जो पेंजिया है दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये क्या बन गया? अंगारा लैंड एंड द सदर्न पार्ट बिकम गोंडवाना। ठीक है, अब ये जो ब्रेक हुआ है, ये इतनी आसानी से तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब हो सकता है अर्थ के, अर्थ में सरफेस के बिलो कुछ इस तरीके के वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हों, है ना, प्लेट्स टूट गई हों आपस में, और उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, ये बन गया अंगारा लैंड एंड दैट बिकम द गोंडवाना लैंड। ठीक है, यहां से इंडिया का भी कनेक्शन है, ठीक है। गोंडवाना लैंड जो रॉक्स है हमारे यहाँ, वो इसी टाइम पीरियड से जो है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। परमियन ये जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन फॉर इंडिया में जो दामोदर वैली है, जो दामोदर वैली है या दामोदर बेसिन में जो कोल फॉर्मेशन है, वो इस टाइम पीरियड में हुआ, परमियन टाइम पीरियड। दामोदर बेसिन का जो कोल फॉर्मेशन है इंडिया में, उसका फॉर्मेशन परमियन टाइम पीरियड में हुआ। तो ये हो गया हमारा पैलियोज़ोइक एरा। तो पहले तो ये जो छह नाम है वो बताइए कौन कौन से हैं, याद करिए इसको। कैम्ब्रियन, देन ओल्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफेरस एंड लास्ट वन इज परमियन। ठीक है, कार्बनिफेरस आपको याद रखना है, पेंजिया ब्रेक हुआ, ठीक है, कोल फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हुआ, और इंडिया में जो दामोदर बेसिन का जो कोल फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ था? परमियन में। तो आप क्या कहोगे, कौन सा एरा है ये? पैलियोज़ोइक एरा के परमियन पीरियड में दामोदर बेसिन का कोल फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इतना याद हुआ। चलो, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? मेसोज़ोइक है, ठीक। मेसोज़ोइक एरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स। मेसोज़ोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रियासिक, फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रियासिक। सेकेंड वन इज नोन एज जुरासिक, डायनासोरस वाला, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज नोन एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाम आता है यहां पर, और उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मेसोज़ोइक एरा में, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड क्रिटेशियस, उसका नाम है क्रिटेशियस टाइम पीरियड में, पूरे अर्थ में इतना लार्ज स्केल पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, इतना ह्यूज लेवल पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था कि उसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ, और उसका एक जो प्लेट्यू वाला जो फॉर्मेशन, उसका एक एग्जाम्पल भारत के अंदर है। भारत का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो उसी समय का बना हुआ, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर।
क्रिटेशियस, लिखो। दिस टाइम पीरियड विटनेस्ड लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, और इसकी वजह से प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ। डेक्कन प्लेट्यू लिख लेना एरो बना के। ठीक है, लिखो। इस पीरियड में बड़े स्तर पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसके कारण पठारों का निर्माण हुआ, भारत का दक्षिण का पठार। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। सो ये तीन पीरियड्स हो गए। अच्छा, ट्रियासिक में भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, यहां से मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ। मैमल्स जो स्तनधारी जीव हैं उनकी उत्पत्ति हुई ट्रियासिक पीरियड में। मैमल्स का फॉर्मेशन ट्रियासिक पीरियड में। जुरासिक पीरियड इज नॉन फॉर द डायनासोर्स एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। जुरासिक पीरियड ये रेप्टाइल्स के लिए भी जाने जाते, और जुरासिक पीरियड में ही डायनासोर्स का इवोल्यूशन भी हुआ और इनका डिक्लाइन भी इसी फेज में हो गया था। ठीक है, तो ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस याद हो गए। अच्छा, तो इससे पहले जो पैलियोजोइक के लिए जो हमने पीरियड्स पढ़े थे उनका नाम बताइए। कैम्ब्रियन, वो तो सबको याद रहेगा। और ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बनी फेरस एंड परमियन। दामोदर बेसिन का कोल फॉर्मेशन परमियन। ठीक है, और पेंजिया कब ब्रेक हुआ? कार्बनी फेरस। क्लियर, कोल फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट। ठीक, चलो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज नियोजोइक। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, नियोजोइक या सेनोजोइक। इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज नॉन एज टर्शियरी पीरियड एंड द सेकेंड वन इज नॉन एज क्वार्टरनरी पीरियड। टर्शियरी, क्वार्टरनरी पीरियड। That tertiary period is divided, further divided into various epochs. ये period है, इसका division अब epoch division हम इसका पढ़ेंगे। ठीक है, tertiary period का के epochs हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं वो देखें। सबसे पहला, first one is known as पैलियासीन। पैलियासीन, देन ईओसीन, देन ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लायोसीन। पैलियासीन, ईओसीन, बोल बोल के लिखते रहो याद हो जाएगा। ओलिगो, मियो, प्लियो। ठीक है, ये पहलिया है, ये प्लियोसीन। ठीक है, ये पहलियासीन, देन ईओ, ओलिगो, मियो और प्लियो। राइट,
परेशान तो नहीं हो गए ये इतने सारे नाम सुन सुन के? थोड़े थोड़े ना, देखो थोड़ी बहुत परेशानी होनी भी चाहिए, पता तो चले कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ आसानी से ही समझ में आ जाए क्या? ऐसे थोड़ी, थोड़ा सा दबाव बनना चाहिए ना। चल आसान है ये। नहीं, वो बहुत सारे, वो जो हमारे जो आकाशीय पिंड है ना, जो सेलेस्टियल बॉडीज, उनके फॉर्मेशन के लिए आता है, स्टार्स वगैरह के लिए, बिग बैंग थ्योरी। हाँ ठीक है, अच्छा चलो, अरे आसान है, याद होगा। ठीक है, टर्शियरी पीरियड इज डिवाइडेड इनटू फाइव, कौन कौन सा? पैलियासिक, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। अच्छा, ये जो पैलियासीन है, इस टाइम पीरियड में हॉर्सेस का इवोल्यूशन हुआ, हॉर्स, ठीक है, हॉर्स, घोड़े, ठीक है। ईओसीन, इसको स्टार मार्क करिए, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में नहीं मिला है, इंडिया में नहीं मिला है, और सी इंडिया में भी अभी उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है, बिकॉज वी हैव फाउंड अ रिमेन ऑफ हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर इन गुजरात। हाँ, इसी वजह से उसको हॉर्स कंसीडर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये नहीं है कि पूरे अर्थ के ऊपर हॉर्सेस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, राइट? हॉर्सेस का फॉर्मेशन कब हो गया था? ये हो गया था पैलियासीन, मतलब ये समझिए हमारे पूर्वज आने से पहले घोड़े आ गए थे, ठीक है? अच्छा किनको? नहीं, इनको हॉर्स चाहिए, जरूरी थोड़ी है, भारत तक नहीं पहुंचे थे तो वो थे ही नहीं, राइट? अच्छा, इओसीन इज नॉन फॉर द फॉर्मेशन। देखो कितना अच्छा लगा ना, अर्थ के बारे में पढ़ रहे हो, थोड़ा सोच रहे हो कि हम कैसे, अभी तक हम तो बने ही नहीं, हम तो आए ही नहीं, राइट? अच्छा, इओसीन इज नॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस का फॉर्मेशन यहाँ इओसीन में, ग्रेटर हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ओलिगोसीन इज नॉन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ एप्स, ठीक है? बंदर प्रजाति की उत्पत्ति हुई, ठीक है? उसके बाद मियोसीन इज नॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेसर हिमालयस, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, मियोसीन, लेसर हिमालयस। एंड प्लियोसीन इज नॉन फॉर द शिवालिक माउंटेन रेंज, शिवालिक माउंटेन रेंज। अच्छा देखो, जो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, देर आर थ्री पैरेलल माउंटेन रेंजेस। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? नदर्न मोस्ट इज नॉन एज ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयस। बताओ कहाँ फॉर्मेशन हुआ? अपनी कॉपी में देखिए, क्योंकि यहां मैंने लिखा नहीं है कहाँ पे, कहाँ फॉर्मेशन हुआ? ईओसीन। तो यहाँ ईओसीन में ग्रेटर हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, देन मियोसीन में लेसर हिमालय, जिसे लघु हिमालय कहते हैं, और फिर ये जो सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज है, शिवालिक माउंटेन रेंज, इसका फॉर्मेशन हुआ प्लियोसीन में, ठीक है? और इन्हीं के बीच में जो ओलिगो है, यहां पर एप का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है? चलो शुक्र है पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद क्या बच गया? क्वार्टरनरी फेज। द क्वार्टरनरी पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू एपोक्स, डिवाइडेड इनटू टू एपोक्स। फर्स्ट वन इज नॉन एज प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, एंड सेकेंड वन इज नॉन एज होलोसीन।
होलोसीन, ठीक। अच्छा अब ये देखिए कि ये जो प्लीस्टोसीन है ना, दैट ये जो टाइम पीरियड, ये कौन सा टाइम पीरियड होगा बताइए, थोड़ा गेस करिए, कितने साल पहले की बात होगी? हाँ पांच छह हजार, और सोच, हाँ इट्स 2.5 मिलियन, मतलब आज से 25 लाख वर्ष पहले क्या आया था? प्लीस्टोसीन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, प्लीस्टोसीन इपोक की शुरुआत हुई थी। और इस इपोक में, इसके ड्यूरेशन में, इपोक के बाद डिवीजन क्या होता है? एजेस, राइट। तो दैट प्लीस्टोसीन इपोक इज नॉन फॉर आइस एजेस, आइस एजेस। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं आया, नहीं नहीं बेटा, अभी आइस एज। अब ये देखो आइस एज क्या है, कितने आइस एजेस हैं? फोर। कितने हैं? फोर, ठीक है। और ये आइस एजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए 1, 2, 3 एंड 4, इन चार आइस एजेस के बीच में ये इंटरवल हुआ, कितने इंटरवल्स हुए? तीन हुए, ठीक है। ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब एक बात बताइए, एक बार आइस एज हुआ, ठीक है, हम ये क्यों कहते हैं देयर वर फोर आइस एजेस? इसका मतलब इसके बाद, इस आइस एज के बाद किस तरीके का चेंज हुआ होगा यहाँ पर? हाँ, टेम्परेचर का, टेम्परेचर राइज हुआ, और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ये आइस मेल्ट डाउन हुई, और जब आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा, पूरा एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, है ना। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में, रिवर्स होंगी और ज्यादा ज्यादा, रिवर्स की वजह से और ज्यादा लाइफ इवॉल्व होगी। इसीलिए कहते हैं कि अराउंड 98% जो टाइम है ना, मतलब ये समझे वो तो पहले जा चुका है, समझ रहे हो। और यहां से बहुत ज्यादा सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा सडन चेंजेस। तो जो इससे पहले, प्लीस्टोसीन से पहले जितने भी स्पीसीज थी, ये बताइए जब आइस एज हुआ होगा तो क्या सारी की सारी स्पीसीज सरवाइव कर गई होंगी? नहीं किया होगा सबने सरवाइव, ज्यादातर क्या हो गया होगा, डिक्लाइन हो गई होगी, एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, है ना, सारे के सारे खत्म हो गए होंगे क्या? नहीं, कुछ बच गए होंगे, किस वजह से बच गए होंगे, है ना, इसमें डार्विन वाले कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना, अडेप्टेशन की जो थ्योरी है उसकी, कि जिसने चेंज को अडॉप्ट कर लिया उसने क्या कर लिया, वो सरवाइव कर गया, और जो उसके अंदर जो ये गुण आए वो धीरे धीरे क्या हो गया, जेनेटिक ऑर्डर में चेंज कन्वर्ट हो गए। और जेनेटिक ऑर्डर में जैसे वो आ गया, वो गुण बन गया उसका एक, अब क्या होगा, अब आगे के जितने भी उनकी जनरेशन आएंगी वो सारे उसी गुण के साथ आएंगी, ठीक है। अब फिर यहां पे जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके बाद फिर आइस एज आया, फिर टेम्परेचर राइज हुआ, उसके बाद फिर आइस एज, फिर टेम्परेचर राइज हुआ, एंड देन फिर आइस एज, और फोर्थ आइस एज के बाद शुरुआत किसकी हुई? होलोसीन पीरियड की शुरुआत, ठीक है। अब इसीलिए इसी में कनेक्ट करके मैं आपको थोड़ा सा स्टोन एज का रेफरेंस देती हूँ। जो स्टोन एज आप पढ़ोगे वो प्लीस्टोसीन और होलोसीन का, किसके पैरेलली है वो? प्लीस्टोसीन और होलोसीन के साथ साथ चलेगा वो। ये जो तीन इंटरवल हुए थे, इन्हीं तीन इंटरवल्स को हम कहते हैं लोअर प्लीस्टोसीन, मिडल प्लीस्टोसीन एंड अपर प्लीस्टोसीन, ठीक है। लोअर प्लीस्टोसीन ये हो गया, मिडिल प्लीस्टोसीन और ये हो गया अपर प्लीस्टोसीन। और यही जो तीन जो मैंने नाम बोले हैं, इन्हीं को आप पैलियोलिथिक भी कहते हो, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। तो इन तीनों को यहां पर लिखो, लोअर प्लीस्टोसीन,
अब ये तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड हो गया ना, ये तो जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग इसको क्या कंसिडर करेंगे, द लोअर प्लीस्टोसीन विल बी नोन एज लोअर पैलियोलिथिक। ये मिडिल पैलियोलिथिक, ये अपर पैलियोलिथिक, और आपको पता है अपर पैलियोलिथिक तक आते आते ह्यूमंस ने, ठीक है, इतना क्रिएटिव माइंड बना लिया था कि वो अपनी लाइफ से जुड़े हुए जो भी जो जो उनके एक्सपीरियंसेस होते थे, वो उन एक्सपीरियंसेस को वॉल्स पे, ठीक है, उसको डेपिक्ट करते थे, ठीक है, वॉल पेंटिंग्स यहीं से शुरू हुई अपर पैलियोलिथिक से। इंडिया में जो रॉक पेंटिंग्स के जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं, रॉक पेंटिंग्स के अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं, दीज अर्लीस्ट एविडेंसेस वर फाउंड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक तक आते आते सोचिए ह्यूमन ब्रेन कितना कितना कैपेबल हो गया था, कितना इवॉल्व हो गया था, राइट। तो यहाँ जियोलॉजिकल हिस्ट्री से हमने सीधे जो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन था उसको हमने थोड़ा सा कनेक्ट किया है, इसको याद रखना। अब ये बच गया क्या, होलोसीन। अब इसमें बहुत ज्यादा ध्यान, मतलब हेडेक वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी हम कौन से टाइम पीरियड में चल रहे हैं, अभी हम होलोसीन में, ठीक है, अभी हम होलोसीन में। अच्छा एक बात बताइए, पैलियोलिथिक तो प्लीस्टोसीन में आ गया, स्टोन एज के दो तो बाकी रह गए, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, वो दोनों कहां आएंगे फिर, वो होलोसीन में आ जाएंगे, ठीक है। तो मीजोलिथिक और नियोलिथिक जो स्टोन एजेस हैं, वो दोनों कहां आ जाएंगी, होलोसीन में, ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो अब थोड़ा सा इसको रिवाइज करिए, ना ना परेशान नहीं हो ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। माइंड अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि जो भी सिचुएशन हो आप अपना काम करते रहो, यही जरूरी है, समझ रहे हो बात। कुछ टॉपिक्स बहुत आसान आएंगे, कल की क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी जब जीवक की कहानी सुनी होगी, आज अपनी कहानी सुनते हुए इतना बुरा लग रहा, ठीक है। चलो चलिए याद करो इसे, जो सेनोजोइक एरा है, ठीक है, नियोजोइक या सेनोजोइक, इसके कितने डिविजन्स हैं, दो मेजर डिविजन्स, कौन कौन से, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। टर्शियरी इज डिवाइडेड इनटू फाइव, ठीक है, फाइव इपोक्स, कौन कौन से थे, पैलियासीन, इओसीन, ओलिगो, मियोसीन और प्लियोसीन, वेरी गुड। उसके बाद क्वार्टरनरी दो, कौन कौन से, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। देखो कितने अच्छे से याद हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, दिस टॉपिक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री। ज्यादातर इसको ज्योग्राफी वाले भी छोड़ देते हैं, हिस्ट्री वाले भी छोड़ देते हैं, बता रही हूं मैं, ठीक है। और अपनी पहली क्लास में ऐसा टफ पोर्शन पढ़ाना आपको पता है कितना रिस्की होता है, बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है पूरे, ये तो शुरुआत है, पता नहीं भाग के हिस्ट्री खत्म कैसे होगी। ऐसा नहीं है, जो सबसे टफ पोर्शन था वो आज खत्म हो गया, ठीक है, और जो सबसे टफ था ना वो आपको याद भी बहुत कुछ हो गया होगा, हो गया ना याद। चलो अब एक एक से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिविजन करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप पे, भरोसा है मुझे याद किया होगा आप सभी ने। चलो कॉपियां बंद कर दो,
कॉपी बंद। वेरी गुड, बंद कर दी, गुड। ठीक, चलो आपसे शुरू करते हैं। चलो बताइए, एरास कितने हैं? जिसने हेल्प की, जवाब दिया, अगले तीन क्वेश्चन उसे पूछे जाएंगे। जिससे पूछा जाए वही बताए, बताइए आप। हाँ, कोशिश करिए, बोले फोर एरास। दो तो बाद वाले तो सही बता दिए, आगे वाले दो और। अच्छा, सेनोजोइक और मीसोजोइक याद है? तो अगर मीसोजोइक है तो इससे पहले क्या रहा होगा? ओल्ड, ओल्ड को किस किस कैसे लिखते हैं हम? पैलियोजोइक, पैलियोजोइक हो गया। ठीक है, पैलियोजोइक से पहले, चलो कौन बताएगा, बता दो। प्री कैम्ब्रियन। अच्छा ठीक, अच्छा तो प्री कैम्ब्रियन के थ्री डिविजन्स बता दीजिए। कौन बताए? फर्स्ट वन, कॉपी में नहीं देख रहा। अजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ठीक है, चलो एक बार सभी बोलो, अजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक हो गया। ये प्री कैम्ब्रियन कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू पैलियोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक के कितने डिविजन्स? सिक्स डिविजन्स। चलिए लास्ट के थ्री बताइए। कार्बोनिफेरस और परमियन और डेवोनियन। वेरी गुड, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन, परमियन। अच्छा बताइए, दामोदर कोल फॉर्मेशन? परमियन। ठीक है, गोंडवाना लैंड फॉर्मेशन? कार्बोनिफेरस। डेवोनियन इज नॉन फॉर नॉन एस डेवोनियन एज ऑफ फिशेस। हाँ, उससे पहले सिल्यूरियन से ही स्टार्ट हो गया था एज ऑफ फिशेस, यहां तक आते आते और उसमें वेरिएशन हो गया, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते। ठीक है, चलो अब जो फर्स्ट थ्री थे वो बनाइए सीक्वेंस में। पहला कैम्ब्रियन, देन ओल्डोविशियन, देन सिल्यूरियन। क्लियर है? चलो ये हो गए पैलियोजोइक, तो छह के छह नाम याद हो गए। हाँ देखो देखो, पढ़ लो, अब सारे आप ही बताओगे। चलो ये छह ही बता दीजिए, पैलियोजोइक के छह। ये भी सही तरीका है। हाँ हाँ, अब आप ये बोलोगे कि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, तो हम देख के बता देंगे। ऑर्डोविशियन की जगह अगर ओलिगोसिन लिखा गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? पूरा नाम भी याद होना चाहिए। कौन बताएगा छेना जल्दी, किसको याद नहीं है बताओ? चलो जिनको याद नहीं होने से पूछते हैं, अभी तो याद होगा। पीछे पीछे, हाँ आप बताएं, छह नाम है, आप जितने नाम याद है वो बताइए। कैम्ब्रियन, ओल्डो, ओल्डोविशियन। अच्छा फिर और बताइए, आप बताएं, एक दो नाम तो याद आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना आए। नहीं याद है? चलो कौन बताएगा छह नाम, आप बताइए, आप बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलिए उसके बाद मेसोजोइक, थ्री डिविजन्स बताइए कौन कौन से। ये गलत बात, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। क्रिटेशियस याद रखना, क्रिटेशियस के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ था, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो भी उसी की वजह से फॉर्म हुआ। क्लियर है? चलो, और इस टाइम पे इंडिया में देखो, जब आप रॉक टाइप्स पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, जब टाइप ऑफ रॉक्स पढ़ोगे उसमें आप क्रिटेशियस टाइप ऑफ रॉक्स भी पढ़ोगे, उसमें आप गोंडवाना टाइप ऑफ रॉक्स भी पढ़ोगे, ठीक है? तो ये याद रखना है उसी टाइम की, ठीक है? अच्छा, द्रविडियन, ठीक है, द्रविडियन टाइप ऑफ रॉक्स भी इसी टाइम की, क्योंकि ये जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है इस पे जो 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 रॉक्स है ना, इनको अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया है, ठीक है? चलो उसके बाद सेनोजोइक, सेनोजोइक इज डिवाइडेड इनटू टू, कौन कौन से, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। टर्शियरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइव इपॉक्स, कौन कौन से, पैलियासीन, इओसीन, ओलिगो। तो याद होना चाहिए, क्यों याद होना चाहिए, पूर्वजों का ओरिजिन हुआ था वहां पे, ओलिगोसीन, उसके बाद मियोसीन और प्लियोसीन, ठीक है? अच्छा, ग्रेटर हिमालय, क्या बोला आपने, ये भी अच्छा जवाब था। अच्छा, मान लीजिए, अगर मान लीजिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपसे पूछ गए, आप कैसे बताओगे? ये मत बोलिएगा सर पैलियोजोइक में पहला वाला सी से शुरू होता है, फिर उसके बाद ओ से शुरू होता है, फिर एस से शुरू होता है, फिर डी से शुरू होता है। नहीं, ऐसे नहीं। और आपने बोल दिया ये सेकंड नंबर पे आता है जी, ऐसे मत बोलिएगा, फिर वो बोलेंगे तुम किससे पढ़ के आए हो, उसको बुलाओ। अच्छा, क्वार्टरनरी डिवाइडेड इन, हाँ, होलोसीन, होलोसीन और इससे पहले प्लीस्टोसीन। अच्छा, अभी कौन सा टाइम पीरियड है, क्या है, होलोसीन है, होलोसीन से पहले प्लीस्टोसीन, आइस एज इज रिलेटेड विद प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन में हमने ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग कितने डिवीजन किए, वो तो आइस एज चार हैं, थ्री हो गए, है ना, लोअर, मिडल और अपर, ठीक है? तो लोअर प्लीस्टोसीन के साथ साथ लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद मिडल प्लीस्टोसीन, मिडल पैलियोलिथिक, उसके बाद अपर प्लीस्टोसीन, तो अपर पैलियोलिथिक। क्लियर है, याद हो गया सभी को? चलो, बहुत कुछ याद हो गया है, कुछ ये कह रहे हैं बस मैडम बार बार मत पूछिए। अभी क्लास में जिसको याद हो गया तो याद हो गया, अदरवाइज ये याद नहीं होगा, ठीक है? अब हो जाएगा आपको, भरोसा रखिए खुद पे। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखो हेडिंग, लिखिए होमिनिड एवोल्यूशन। होमिनिड एवोल्यूशन, अब यहाँ पे भी ऐसे ही अजीब वगैरह नाम आएंगे, नहीं नहीं नहीं, देखो इन ये जो नाम आएंगे इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्यों, किन के नाम है ये, किन के नाम है, दवाइयों के नाम, पूर्वजों के नाम है, और अपने पूर्वजों के नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। देखो, वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, ठीक है? नहीं, वैसे फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि इस रूम में, मतलब ऐसा नहीं कि जो आप दिखाई दे रहे हो, हम दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ हम ही हैं, ऐसा नहीं। सच्चाई, वेरियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज, मतलब हमारे साथ, हमारे आसपास हमेशा रहती है। मुझे याद आ रहा है एक ऐसा ही केस, फिलोसफी का ही टॉपिक चल रहा था आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है? और उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने समझा दिया ये बात, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और ये बता दिया कि हमारे आसपास हमेशा रहती है, बच्चे बार 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 इधर उधर देंगे। फिर मुझे ही लगा कहीं घर जाने के बाद डर ना जाए ये लोग, फिर उनको पता है जो क्लास में पढ़ के गए वो क्लास तक ही रखना, कभी पता चले घर जाके डर गए और आपके पेरेंट्स फिर हमें ढूंढे,
क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जाइए। होमिनिड इवोल्यूशन, मानव की उत्पत्ति। ठीक है, अब होमिनिड इवोल्यूशन के जो अर्लीस्ट जो फाइंडिंग्स है, जो एविडेंसेस हैं, वो हमें मिलते हैं अफ्रीका से। कहां से मिलते हैं? अफ्रीका से। अच्छा, अब एक वर्ड आता है दैट मीन दैट इज सोर्स, स्रोत। हमें कैसे पता चला कि जो ह्यूमन लाइफ है ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में इवॉल्व हुई, पहले क्या कैसे दिखते थे, फिर उसके बाद किस तरीके का स्ट्रक्चर बना, फिर कैसे इवॉल्व हुए और मॉडर्न मैन कैसे बने। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने बचपन के बारे में कितनी बातें याद है, तो आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक की बात याद होगी अपनी मेमोरी से। ठीक है, और एकदम जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब की कुछ बात भी आपको याद होगी, लेकिन खुद से याद नहीं होगी। घर में जब जिक्र किया जाता होगा कि तुम ऐसे थे, तो वो बातें आपको याद होंगी क्योंकि किसी ने बताया है आपको। ठीक है, अगर आपको 50 साल पहले की अगर बात अगर पूछी जाए आपसे, या 50 साल पहले की बात अगर आपको जाननी हो, तो वो कैसे पता लगाएंगे आप? किसी से पूछ के। ठीक है, 100 साल पहले की बात, दादाजी को भी, दादाजी भी 100 साल के अगर जीवित हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और उनको याद हो इतने पुरानी बात तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चलो उन्होंने बता दिया। 200 साल पुरानी बात याद हो तो, मतलब पूछनी हो तो क्या करोगे, क्या कैसे आप पता लगाओगे 200 साल पुरानी बात का? अच्छा हाँ, और पर्टिकुलर बताइए, किस किसके थ्रू आपको पता चलेगा? कोई रिटन सोर्स होगा, कोई बुक होगी, है ना? That means, कोई भी जो रिटन सोर्स है वो हमें किसी भी टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई टाइम पीरियड जिसके रिटन सोर्स अवेलेबल हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन तो आपको वहां से मिल जाएगी, लेकिन अगर उससे भी पहले का जानना हो फिर क्या करोगे? जो रिसोर्सेस होते हैं उसमें ये जो रिटन सोर्सेस होते हैं उनको कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेस। क्या कहा जाता है उनको? लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। और सोर्सेस की एक और कैटेगरी है दैट इज नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। क्या कहा जाता है उनको? आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और ये दोनों सोर्सेस मिलके, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, किसी भी टाइम पीरियड के बारे में हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा टाइम है जिसके लिए हमारे पास रिटन में कुछ भी नहीं है, लिटरेरी सोर्सेस आर नॉट अवेलेबल टू अस, और हम सिर्फ किस चीज पर रिलाय करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ऊपर रिलाय करते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में बहुत सारी कैटेगरीज इसमें शामिल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने कई बार सुना होगा कि कहीं पे एक्सकवेशन हो रहा था, उत्खनन हो रहा था, और वहां पे पुराने कुछ मूर्तियां मिल गई, है ना, कोई घड़ा मिल गया, उसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी मिल गई, सिक्के मिल, कॉइन्स वगैरह मिल गए, है ना, कितने खुश हो रहे हैं मुस्कुराए थे आप इमेजिन कर रहे थे कि वो जो कॉइन्स वाला सिक्का था मुझे मिला होता। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स मिले हैं ना, उनको उन कार्बन डेटिंग के थ्रू ये पता लगाया जाता है, और वेरियस टेक्निक्स आर देयर जिनसे ये पता लगाया जाता है कि ये जो रिमेन्स हमें मिले हैं, है ना, अवशेष उन्हें कहा जाता है, ये जो अवशेष मिले हुए हैं ये अवशेष आज से कितने वर्ष पहले के होंगे। ठीक है, अब जितने जहां जहां पर अलग अलग जगहों पर, आपने कभी कभी सुना होगा कि हिमालय में इस तरीके के कुछ रिमेन्स मिले हैं, है ना, कोई पशुओं का कोई ऐसा कंकाल मिला है, कोई मानव का कोई कंकाल मिला है ना, इस तरीके के कुछ रिमेन्स मिल गए, या कुछ वेपन्स मिल गए, कुछ टूल्स मिल गए, तो उनको उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और उनका टाइम पता लगाया जाता है कि कितने पुराने ये चीजें होंगी।
और मान लीजिए अगर दो तीन चीजें मिल गई, उनमें से एक ये पता चल गया कि ये आज से लगभग 2 लाख वर्ष पहले की चीज है, ये इतनी पुरानी चीज है, ठीक है, कोई चीज मिल गई जो 50,000 साल पहले की है, ठीक है, कोई ऐसे मिल गई जो आज से 5,000 साल पहले की, कोई ऐसे मिल गई जो 2,000 साल पहले की, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अब यूज कर रहे हैं, राइट। अब ये जो चीजें हैं 2 लाख साल पहले वाली और 50,000 साल पहले वाली, इनमें ना सिर्फ टाइम का डिफरेंस पता चलेगा उस टेक्निक के थ्रू, उसकी जो बनावट है उस बनावट को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस चीज को उन्होंने किस पर्पस से यूज किया होगा। कोई भी टूल है उसका पर्पस क्या रहा होगा, कोई भी वेपन है तो ये वेपन किस पर्पस के लिए यूज किया गया होगा, और उसी पर्पस को ध्यान में रखकर और फिर हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है, उसको रिक्रिएट किया जाता है, ठीक है। और फिर ये कहा जाता है कि आज जो जो पैलियोलिथिक वाले जो लोग थे, जो आदि मानव थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, ये अज्यूम किया जाता है। किस बेसिस पे अज्यूम किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स, जो कुछ भी अवशेष मिले हैं उनके ऊपर रिसर्च होती है और उनसे अज्यूम किया जाता है कि अगर ये चीजें वो यूज करते होंगे तो उनकी लाइफस्टाइल किस तरीके की रही होगी, उनका सर्वाइवल पैटर्न कैसा रहा होगा, कैसे जीवन यापन वो करते होंगे, ठीक है। और इसी बेसिस पे, इन्हीं फाइंडिंग्स के बेसिस पे जो जो होमिनिड एवोल्यूशन है उसको भी बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे फेजेस में डिवाइड किया गया, अलग अलग नाम उसके दिए गए हैं, ठीक है। तो वो सारे नाम हम अभी पढ़ेंगे, तो लिखो। सबसे पहले एक नाम आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज रामा पिथेकस। रामा पिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हाँ फेजेस, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, और उसमें ह्यूमन की बॉडी किस तरीके से इवॉल्व हुई वो हम पहले नाम लिख लीजिए, पिथेकस, ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, देन इन्हीं से और थोड़ा चेंजेस हुआ और फिर होमो Neanderthals, उसके बाद होमो सेपियंस एंड देन होमो सेपियन सेपियंस, and these are the modern men and wise men, ठीक है, homo sapiens, ये कुछ historians कहते हैं कि this was ये earliest form थी Ramapithecus, ठीक है, उसके बाद Australopithecus। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ड्यूरेशन में जो ह्यूमन जो थे जो इवोल्यूशन हुई थी दैट बिगन फ्रॉम द एप्स, यहां से इस तरीके का स्ट्रक्चर था, यहां से धीरे धीरे चेंज होने लगा, और जो होमो इरेक्टस है ये इसलिए जाना जाता है कि क्योंकि होमो इरेक्टस के टाइम पर अपराइट स्ट्रक्चर बनना, अपराइट स्ट्रक्चर बना ह्यूमन का,
ये अपराइट बॉडी पॉस्चर कहाँ बना? होमो इरेक्टस के टाइम से। अब यहां से होमो इरेक्टस से, और जब ये होमो इरेक्टस वाला फॉर्म आया तो होमो इरेक्टस ने अफ्रीका से बाहर निकलकर यूरोप, एशिया और फिर अमेरिका की तरफ मूव करना शुरू किया। इसका मतलब यहां से ये जितने भी फॉर्म्स यहां पर हैं, इनमें से अफ्रीका में ये माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक जो थे, जो ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो सिर्फ अफ्रीका में रहे, उनका बाहर कहीं एविडेंस नहीं मिलता। कौन सी फॉर्म बाहर मिली? होमो इरेक्टस। इन्होंने मूव करना शुरू किया, दे स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ अफ्रीका, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो अब एक बार ये नाम पढ़िए सारे फटाफट। सबसे पहले रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये नाम में भले ही ऑस्ट्रेलो वर्ड है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, अफ्रीका में थे। क्लियर? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो इरेक्टस। आप एक लाइन डिवाइड कर सकते हो यहां से, क्योंकि ये तो हो गया एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक, और इसके बाद से होमो सीरीज शुरू होती है। होमो सीरीज का मतलब क्या होता है? ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर यहां से बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहां से ये अलग हो जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो सीरीज स्टार्ट होती है, एंड द अर्लीस्ट होमो सीरीज वाज होमो इरेक्टस। ह्यूमन के जैसे थोड़ा थोड़ा उनका जो पोस्चर था वो भी अपराइट होता चला गया, वैसे वैसे उनका ब्रेन भी डेवलप होता हुआ चला गया, और उन्होंने धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया, उन्होंने अपने एरिया से बाहर निकलना शुरू किया। तो होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद और ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, फिर होमो नियंडरथल, सेपियंस एंड सेपियन सेपियंस। ठीक है, इनको मॉडर्न मैन कहा जाता है, वाइज मैन कहा जाता है, जो अभी है। क्लियर? तो एक बार नाम एक बार फिर से याद करिए एक बार, फिर इनका मूवमेंट पढ़ेंगे। सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट याद नहीं करना है, और इस तरह से भी याद नहीं करना है कि ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, हो गया? आप दोनों बहुत खुश लग रही हैं, आपको पूरा याद हो गया लगता है। चलिए नाम बताइए, बोर्ड पे भी नहीं देखेंगे, अपनी कॉपी में भी नहीं देखेंगे, ध्यान मत बढ़ा। और थोड़ा सा मतलब जो ब्रेन डेवलप्ड हो गया वो वाली फॉर्म है, सेपियन सेपियंस। फिर हम लोगों की बात, हाँ देखो चेंज तो यहीं से हो रहा है, लेकिन मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ से, इरेक्टस से स्टार्ट हुआ, होमो सीरीज से स्टार्ट हुआ, ये याद रखना। और होमो सीरीज का फर्स्ट सीरीज कौन सा था, फर्स्ट फॉर्म कौन सा था? इरेक्टस वाला। ठीक है, अच्छा बताओ। क्या चलो आप बता दो कौन सा मिस हो गया, होमोनियन डिफरेंस। चलो ठीक है, बाकी सारे किस किस को याद हो गए, सभी याद हो गए? आप कैसे चुपचाप बैठे हैं पीछे, तीन याद है, कौन कौन से बताइए। वाह, ये बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहला नाम याद रख लिया, सबसे लास्ट वाला नाम याद, बहुत बढ़िया। क्या शुरुआत कहां से हुई, खत्म कहां हुई, हमें इतना याद है, हमें ट्रांजिशन फेज से कोई मतलब नहीं है। ये तो यूनिवर्स का लॉ है, वैसे यूनिवर्स क्या कहता है। ठीक है, जैसे आपने कई बार सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना, ये वर्ड सुना, ये रियलिटी है बाय द वे। ठीक है, कहते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ ये सुनता है कि काम कर क्या करना है, कैसे हुआ इससे मतलब नहीं है। तो आपने कह दिया रामापिथेकस ओरिजिन और फाइनल कंक्लूजन सेपियंस सेपियंस, अब ये कैसे हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
यहाँ तक कैसे पहुंचे उस प्रोसेस से, मतलब नहीं है ना, गलत बात है। हाँ आपको याद हो गए सारे, याद हो गए। और किससे पूछा जाए, चलो आप बताएं। हाँ जी वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे से बताया। अच्छा इसी तरीके से जो हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ पढ़ा है उसको कौन सुनाएगा? हाँ आप सुना दोगे? अच्छा कल, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इनका जो मूवमेंट था वो हम पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा मैप बनाना, मैप बनाइए थोड़ा। हाँ भारत से थोड़ा बाहर निकलिए। बातें नहीं, आसान तरीके से हल्का फुल्का बना लो, इतना हमें भी नहीं आता। समझ गए ना, ये रशिया पहुंच गए। क्या कह रहे हो? अमेरिका थोड़ा बुरा मान जाएगा। नहीं इंडिया को बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा समझ गए, या मैं ये यूरोप। अब देखो चाहे अमेरिका बुरा माने चाहे यूरोप बुरा माने, भारत का क्षेत्र कम नहीं होना चाहिए। बस देखो कम तो नहीं होना, कम लग रहा। सही है, अच्छा। नहीं वैसे अफ्रीका के कंटेक्स्ट में हम हैं भी थोड़े से एरिया वाइज। चलो आपकी कॉपी में कहाँ है? नहीं, बनाओ इसको भी फटाफट बनाओ, चलो जल्दी। तभी तो याद होगा। मेरे बनाए हुए मैप पे भरोसा नहीं है, देखो फोन में मैप ढूंढ रहे। मैप बनाई फिर आप कॉपीज देखूंगी मैं। अमेरिका तो बिल्कुल, लेटर लिखने वाला है आपको। हाँ बताइए, सही है। अमेरिका कहेगा मेरा तो क्षेत्र ही गायब कर दिया, ओशन में मिक्स कर दिया। कोई बात नहीं, जिन्होंने मैप बना लिया है वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ वो पढ़ें, याद करिए उसको, अभी टाइम बाकी है। एरा, फिर एरा डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, देन पीरियड्स डिवाइडेड इनटू इपोक एंड देन एजेस। एरा चार हैं, पीरियड्स
ठीक है, और उसके बाद जो डिवीजन किए हैं वो एरा के डिवीजन है पीरियड में। हाँ, एरा हो गया प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के पीरियड कौन कौन से हो गए, अजोइक, आर्कियन एंड प्रोटेरोस। ठीक है, उसी तरीके नहीं, अगर ऐसी कोई बात है जिससे इतने हंसी आ रही है तो फिर यहां आगे बताओ। फिर उसके बाद पैलियोजोइक, ये एरा हो गया, पीरियड कौन कौन से हो गए, पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफेरस और परमियन। वेरी गुड। उसके बाद मेसोजोइक, ये एरा है, इसके पीरियड कौन कौन से हो गए, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, अच्छा, एज ऑफ रेप्टाइल, जुरासिक। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद सेनोजोइक एरा है, उसके डिविजन्स टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, ये दो हो गए बेटा पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद पीरियड का डिविजन इपोक में, तो टर्शियरी पीरियड डिवाइडेड इनटू फाइव इपोक्स। समझ में आ रहा है आपको, एरा से पीरियड, पीरियड से इपोक, कौन कौन से इपोक हैं, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगो, मियो और प्लियो। ठीक है, जो इयोन है ना, जैसे जो बाकी के जो तीन है, क्या नाम है इसका, पैलियोजोइक हो गया, मेसोजोइक हो गया, सेनोजोइक हो गया, मतलब कैम्ब्रियन से जो पूरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसको फेनेरोजोइक इयोन में कंसिडर किया जाता है, तीनों को एक में, फेनेरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन को छोड़। ठीक, हो गया, बना लिया मैप सभी ने। चलो अब मूवमेंट पढ़ लेते हैं। ये जो जगह है, ये जो एरिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये प्लेस, ये वाला जो एरिया है, यहां से कौन से रिवर जाती है, नाइल रिवर इधर से फ्लो होती है। ठीक है, अच्छा, नॉर्थवर्ड जाते हैं या साउथवर्ड आती है, बताओ, नाइल रिवर नदन साइड की तरफ फ्लो करती है या सदन साइड में फ्लो करती है, क्यों सोचे, अच्छा नदी है तो साउथ की तरफ आएगी, इट डिपेंड्स ऑन द एलिवेशन ऑफ द अर्थ, कि उसका ढाल कितना है, किधर है ढाल। चलो मैप में देख के आना, पता करके आना कि जो नाइल रिवर है वो किधर फ्लो करती है। ठीक है, अच्छा, और ये जो वाटर बॉडी है इसको क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, अच्छा, ये जो एरिया है यहां पर सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन के जो रिमेन्स थे वो मिले थे, उनके एविडेंसेस मिले थे, वो एविडेंसेस जो ये क्लियर करते हैं कि ह्यूमन लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुआ, ओरिजिन स्टार्ट हुआ, वो कहां से हुआ, अफ्रीका। और ये माना जाता है कि अफ्रीका में तो इसकी जो शुरुआत है ना, ये 5.6 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई, कब हुई, 5.6 मिलियन अगो। अब 5.6 मिलियन ईयर्स अगो से मतलब क्या है बताओ, कौन से एरा के, कौन से पीरियड में अफ्रीका में 5.6 मिलियन के टाइम पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा चेंज शुरू हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन जैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ होगा, वो एप की भी वो प्रजाति, एप्स में भी बहुत सारी स्पीशीज रही होंगी, अलग अलग वेरिएशंस रहे होंगे, उनमें से वो जिसमें ह्यूमन जैसे चेंजेस आने शुरू हुए, ठीक है, वो रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कैटेगरी में आते हैं। तो जो शुरुआत हुई ओरिजिन की 5.6 मिलियन, तो कौन सा एरा, एरा कौन सा एरा, तो लास्ट वाला, कौन सा, सेनोजोइक या नियोजोइक, उसमें पीरियड कौन सा, टर्शियरी पीरियड। ठीक है, चलो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो से, उसके बाद धीरे धीरे यहां से
मूवमेंट स्टार्ट हुआ और एक ब्रांच ऐसे वेस्ट अफ्रीका से होते हुए इधर आई और एक पहुंच गई यूरोप। और यूरोप में जो एविडेंसेस हैं वो 1.95 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास के हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक ब्रांच ऐसे भारत की तरफ आई और भारत में माना जाता है अराउंड 70,000 ईयर्स अगो के आसपास इंडिया में, इनके एविडेंसेस मिले, मतलब इस टाइम पीरियड के मिले। उसके बाद एक जो ब्रांच है वो ऐसे नॉर्दर्न साइड रशिया की तरफ होती हुई, रशिया से होती हुई यहां से ये मूव एंट्री की इन्होंने कहा अमेरिका, अमेरिका। और ये जो टाइम पीरियड था ये था अराउंड 20,000 टू 15,000 ईयर्स अगो। नॉर्थ अमेरिका से फिर साउथवर्ड मूवमेंट हुआ और ये जो सदर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये टाइम हो गया 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। यहां से ये फिर जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया है ये इधर से ऐसे पहुंचे, ठीक है। तो ये इनका मूवमेंट रहा। तो अब मुझे बताइए कि वो स्पीसीज का नाम बताइए या वो वाले ह्यूमन फॉर्म बताइए जिसने अफ्रीका से बाहर जाकर ये यूरोप और एशिया की तरफ मूवमेंट किया, नाम बताइए उसका। होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस थे वो। तो इस तरीके से उनका मूवमेंट हुआ। अब ये क्यों बना के ये क्यों बताया गया, क्या इससे क्या आपको समझने में आसानी, इससे समझने में आपको आसानी ये होगी कि आपको एक प्रोसेस समझ में आया कि अफ्रीका से ह्यूमन इवॉल्व हुए, इसके बाद ये यहां से बाहर निकले फिर ये यूरोप में गए, उसके बाद एशिया, यहां से रशिया एशिया इधर, और एक ब्रांच यहां से होते हुए पूरी अमेरिका में पहुंच गई। ये जो पूरा ये जो प्रोसेस है ना कि कहां से जाके कहां पहुंचे, यही पूरा प्रोसेस आपको सिविलाइजेशन का देखने को मिले, यही सीक्वेंस जो है ये सिविलाइजेशन में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की बात करते हैं विच इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलली मतलब उसी के टाइम पीरियड में उसके तीन कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस मानी जाती हैं, तीन समकालीन सभ्यताएं मानी जाती हैं इंडस वैली के साथ साथ, ठीक है। कौन कौन सी मानी जाती है, एक मेसोपोटामिया मानी जाती है, ठीक है, यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गई, ये आईबीसी हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन। अगर इन सभी के अगर टाइम पीरियड को देखा जाए तो सबसे पुरानी है, भले ही थोड़े से कंटेम्पररी, कुछ टाइम पीरियड सबका साथ में था लेकिन किसी कोई सिविलाइजेशन बहुत पहले अस्तित्व में आ गई, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आ गई। सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी इन चारों में से, सबसे पहले कौन सी, जो मिस्र की जो सभ्यता थी वो, उसके बाद मेसोपोटामिया और उसी के टाइम पीरियड की आईबीसी, थोड़ा बहुत साल का डिफरेंस है, आईबीसी इसके बाद है, फिर ये चाइनीज सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज जो फ्लो है ना, चेंज का जो फ्लो है वो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप और देखिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब हुए और आउटर इन्वेजन भी जितने हुए, ज्यादातर इंडिया में जो इन्वेडर्स आए वो भी किधर से आए, वो भी इसी रूट से, या तो इधर से या इधर रूट से। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो फ्लो है, ये आपके लिए समझना जरूरी है, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ में चेंजेस आते चले गए, सिविलाइजेशंस बनती हुई चली गई और ये एक मूवमेंट रहा उनका। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछ रही हूँ, थोड़ा सा कंपैरेटिव है, वो ये बताइए कि हमने यहाँ देखा कि पहले ह्यूमन इवॉल्व हुआ अफ्रीका में, वहां से यूरोप में गया है ना, फिर एशिया की तरफ आया, क्लियर,
लेकिन जब हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में उस टाइम पीरियड में 14th, 15th या 16th सेंचुरी के आसपास वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजिकली सबसे ज्यादा डेवलप्ड और एडवांस्ड कौन थे? यूरोपियंस थे। सबसे खराब स्थिति अगर किसी की थी तो वो किसकी थी? अफ्रीकन्स की। दे वर यूज्ड एज स्लेव्स। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। वो एडवांसमेंट यहां मॉडर्न टाइम में आके यहां कैसे रुक गया? और इन्होंने अपने आप को इतना ओवर पावर कर लिया कि उन्होंने क्या किया, बाकी जगहों के तो नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया, इंडिया के तो नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज किया इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, लेकिन अफ्रीका के साथ क्या किया, इसके तो ह्यूमन रिसोर्स को ही ले गए या उनके साथ ही इतना बुरा व्यवहार किया, उनको ह्यूमन समझा ही नहीं। स्लेवरी का कॉन्सेप्ट यूरोप में आया इस वजह से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्लेव्स का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में इन्होंने फैलाया, जहां जितना वो लोगों को उस स्लेवरी में जिस लेवल तक ले जा सकते थे वो उस लेवल तक ले जा पाए। भारत में रेजिस्टेंस ज्यादा था इसलिए इंडिया में स्लेवरी उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाई। इंडियंस को डोमिनेट करना इतना आसान नहीं था इसलिए वो इंडिया में रूल तो करके चले गए लेकिन इंडिया में स्लेवरी नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। स्लेव्स बनाने में उन्होंने कमी नहीं रखी थी लेकिन भारत में क्या होता था, रिवॉल्ट्स होते थे। जब पीजेंट्स को सप्रेस करना शुरू किया तो पीजेंट्री रिवॉल्ट हो गया, जब जनजातियों को सप्रेस करना शुरू किया, ट्राइबल्स को सप्रेस करना शुरू किया तो ट्राइबल पीपल ने रिवॉल्ट कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास एडवांस बंदूकें वगैरह होंगी, हमारे पास ऐसे दैवीय शक्ति है कि हम मंत्रों से भस्म कर देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल तो था ना, लड़ने की शक्ति तो थी। ये शो करता है कि आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने रिसोर्सेस के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किस लेवल तक जा सकते हो। कहते हो कि नहीं हमारे पास शस्त्र तुम्हारे जैसे, फिर भी हम लड़ेंगे। समझ रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अफ्रीका में वो बुरा हाल क्यों हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस की कमी रह गई कहीं ना कहीं, वो रिवॉल्ट नहीं कर पाए। और देखो इसी को यूरोपियंस ने कैसे जस्टिफाई किया, दे जस्टिफाइड विद द फैक्ट दैट उन्होंने कहा कि हमने रिसर्च की वर्ल्ड वाइड, जितने ह्यूमन स्कल्स है ना, ह्यूमन ब्रेन है, हमने उनकी रिसर्च की और उनकी रिसर्च करके ये पता चला है कि जो अफ्रीकन्स हैं उनके ब्रेन की बनावट या ब्रेन ऐसा ही है उनका कि वो सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, वो ऑर्डर को फॉलो करेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। अगर आप उनको सप्रेस करोगे तो सप्रेस ही होते हुए चले जाएंगे, वो रिवॉल्ट नहीं कर सकते। और जो भारतीय जो ब्रीड है, जो रेस है, वो ऐसी है कि अगर उनके ऊपर दबाव डाला जाए तो वो क्या करते हैं, चाहे उनके पास सोर्स कुछ हो या ना हो, वो बहुत तेजी से रिवॉल्ट करते हैं, रिएक्शन बहुत तेजी से आता है। ये उन्होंने कहा, इसलिए इंडिया में उन्होंने कॉलोनाइजेशन का डिफरेंट फॉर्म यूज किया और अफ्रीका में डिफरेंट फॉर्म का कॉलोनाइजेशन यूज किया। ठीक है, चलो ये कंपैरिजन आप करते रहना, क्या लॉजिक है ये भी, जैसे जैसे आप टॉपिक आगे पढ़ोगे वैसे वैसे सामने आता चला जाएगा। तो ये मूवमेंट रहे, ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अभी बताइए ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन कौन से फेजेस थे, क्या क्या नाम थे उनके बताइए। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंड्रथल, सेपियंस, सेपियंस, सेपियंस। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड याद हो गए होंगे सारे, हैं? आज आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है हमने, अब चुपचाप शांत बैठे रहे हो। नहीं, ये सबसे जो ये बदमाश है, ये सबसे शैतान है ये बहुत। हाँ चलो अब आप बताओ, एराज बताइए, कॉपी में देख के नहीं, कॉपी बंद करो, इतने देर में पढ़ लोगे दो चार नाम, चार ही तो हैं, बताओ। हाँ गलत बात है, इतनी बार क्लास में रिवीजन हो गया, नाम सही से नहीं प्रोनाउंस कर रहे। पैलियोजोइक, मेसोजोइक और
सेनोजोइक, ठीक है, नियोजोइक या सेनोजोइक, क्लियर। तो ये तीन टॉपिक कवर हो गए। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, स्टोन एज। जब तक बाहर संदेश नहीं आ जाता तब तक क्लास चलती रहेगी। देखो स्टोन एज, अच्छा नहीं, खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं खाना। देखो एक जो जो मोस्टली एक्सेप्टेड जो टाइमलाइन है इंडिया की तरफ आने के लिए, दैट इज 70,000। अब क्या हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे फाइंडिंग्स हैं जो ये कहती हैं कि लगभग 2 साल पहले भी कुछ ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं। ये जो एक्सेप्शन है ना, जो एक्सेप्शन है वो हम जैसे जब स्टोन एज हम पढ़ेंगे ना तो स्टोन एज का फ्लो पढ़ेंगे कि स्टोन एज में जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अभी तो हमने वर्ल्ड का एक देखा कि किस तरीके से मूवमेंट हुआ, अभी इंडिया का आने दो। जब इंडिया का आएगा तो अभी तो हमने वर्ल्ड लेवल पे जो इंडिया की तरफ मूवमेंट था 70,000 के अप्रोक्स, वो हमने डिस्कस किया, राइट। अब जब स्पेसिफिक जब हम इंडिया पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं, फाइंडिंग्स हैं, उनका हम जिक्र करेंगे, ठीक है। इवन मैं एक चीज आपको बता दूं, ध्यान से सुनो, पीछे कहां गुम हो, ध्यान से सुनो, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की फाइंडिंग्स, स्पेसिफिकली तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टोन एज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम चैल्कोलिथिक पढ़ेंगे और आईवीसी पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम पीरियड के भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको वहां पे बताऊंगी। स्पेसिफिकली साउथ इंडिया को आपको देखना है, क्योंकि जो तमिलनाडु बोर्ड है या जो तमिलनाडु का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्टिव है नए नए फाइंडिंग्स के लिए। बहुत वास्ट लेवल पर वहां पे एक्सकवेशन का काम चल रहा है और उनका मानना ये है कि हो सकता है, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि भारत में नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले, वो ये रिसर्च कर रहे हैं और ये प्रूफ कर देंगे बहुत जल्दी कि इसी तरीके की एक सभ्यता दक्षिण भारत में भी थी। अब अभी तक का हिस्ट्री का जो परसेप्शन है वो ये है कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, पहले नॉर्थ में हुआ, वहां से डेक्कन में और फिर साउथ में गया, ये है अभी तक का परसेप्शन। अब क्या हो रहा है, इसको चेंज करने की बात आ रही है, उसको चेंज किया जा रहा है। चेंज कैसे कर रहे हैं, नई नई फाइंडिंग्स लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए साउथ इंडिया में जो कुछ जो ह्यूमंस के जो एविडेंसेस मिले हैं वो ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया से भी पुराने हैं, ठीक है। चैल्कोलिथिक के कुछ साइट्स हैं, ठीक है, कॉपर एज, हाँ कौन सा, पहले नहीं, आयरन एज बाद में आएगा, अभी स्टोन एज है, स्टोन एज के बाद कॉपर एज आएगा, कॉपर में फिर टिन मिक्स किया, फिर ब्रॉन्ज एज आएगा, ब्रॉन्ज के बाद फिर आयरन एज की शुरुआत हो जाएगी वैदिक के बाद से, ठीक है, वैदिक के बाद से फिर आयरन एज आएगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि साउथ इंडिया से जो नई फाइंडिंग्स आती हैं उनको आप ध्यान से पढ़ोगे। एक बार तो मैं पढ़ाऊंगी आपको जो जनरल परसेप्शन है हिस्ट्री का वो, और उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपको जो नई जो फाइंडिंग्स हैं उनको ध्यान देना है। और साउथ इंडिया की आप एक होमवर्क लिखो, आप साउथ इंडिया में जो रिवर्स हैं, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ये दो जो रिवर्स हैं ना, इनको और इन दोनों नदियों के आसपास जो रिवर्स हैं और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, उनके आसपास के कुछ नाम देखना, कुछ मेजर मेजर सिटीज के नाम देखना, पॉइंट आउट करना, मैप रीडिंग करके आना। आज सिर्फ दो नदियों का नाम बता रही हूं, कृष्णा और कावेरी। हिस्ट्री अभी शुरू हुई है, आज आपने बहुत फैक्चुअल और एक बहुत टफ पोर्शन आज आपने कवर किया है,
कभी कभी देखो अब जो यूपीएससी है ना वो अपना थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर रही है, और ये कैसे पता चलता है, इस बार 2024 में जो उन्होंने पेपर लिया पीटी में, तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ लिए, लिटरेचर से क्वेश्चन डिटेल में पूछ लिया, ठीक है, हिस्ट्री में। अब अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाएंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है पीटी में, इसलिए कुछ फैक्चुअल पोर्शन आपको पढ़ाना जरूरी है। पता नहीं कहाँ से यूपीएससी पूछ ले, तो हम तो एक थोड़ा सा उसको लेकर चलें, बाद में आ जाए क्वेश्चन वहां से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आज वाली क्लास तो आज याद ही होगी होगी आपको, ठीक है। जो फैक्चुअल पोर्शन होगा आई विल ट्राई कि वो आपको विद इन द क्लास याद हो जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको समझ में आ जाए, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा बताते जाऊंगी। मैप रीडिंग करके आओगे साउथ इंडिया में, कृष्णा कावेरी रिवर के आसपास के लोकेशंस देखकर आओगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज देखकर आना, इससे आपका थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन इस किसके साथ कवर होगा, और आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे रोल प्ले करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। मैं हमेशा अपने क्लास में बोलती हूँ, चाहे वो जीएस की क्लास हो, ऑप्शनल की क्लास हो, कि जो हिस्ट्री बनी हुई है ना, किसी भी क्षेत्र के इतिहास का जो निर्माण होता है ना, हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है, वो क्यों होता है, उसी जगह पे इतने बड़े एम्पायर का एम्पायर कैसे बन गया, वो इसी वजह से बन गया क्योंकि उस क्षेत्र की ज्योग्राफी बड़ी सपोर्टिव थी। तो जब मौर्यंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मौर्यंस ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया। जब 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपद में से मगध ही सबसे पावरफुल मगध महाजनपद कैसे बना, बाकियों के कंपैरिजन में उसमें डिफरेंस क्या था कि बाकी जगहों पे बड़े योद्धा नहीं थे क्या, थे, लेकिन सपोर्टिव एलिमेंट क्या था, वहां की ज्योग्राफी, वहां के रिसोर्सेस। ज्योग्राफी को साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है, और यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे पूछा हुआ है, लास्ट ईयर ही मेंस के कुछ टाइम पहले आंसर क्वेश्चन लिखाया मैंने बच्चों को, बोला कि ये क्वेश्चन लिखो और इस पे कुछ 8-10 पॉइंट्स लिख कर लाना, और लगभग 1-1.5 महीने के बाद ही जब मेंस का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पूरा सीधे सीधे पूछा हुआ कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। आप कहने को ये हिस्ट्री होगी, लगेगा सिर्फ हिस्ट्री की क्लास होगी, आप अगर सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करके आओगे तो आप कहोगे पता नहीं मैम हिस्ट्री के साथ क्या क्या पढ़ा रही हैं, आप ये मत सोचे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मानते हैं ना, तो यूपीएससी में तो कुछ भी एकदम सेपरेट है ही नहीं, तो हिस्ट्री से वो खुद ज्योग्राफी को कनेक्ट करता है, हिस्ट्री से सोसाइटी को कनेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को कनेक्ट कर रहा है, तो हम उसे कैसे अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपकी तैयारी होगी, थोड़ा बहुत टाइम कम ज्यादा हो गया क्लासेस में, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल बी कंपेंसेटेड। कंपेंसेट कैसे होगा कि कुछ ना कुछ ज्यादा ही सिखाएगा ये आपको, बहुत ज्यादा ही सिखाएगा, ट्रस्ट में, जिस लेवल से पढ़ाई की जा रही है वैसे पढ़ते चलना, ठीक है। Gracias.